हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सौर मंडल से रिलेटेड साइंस के मोस्ट आईएमपी 40 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर डेली साइंस से रिलेटेड एक या दो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए सीखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है तो कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है, और जिसे हम ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य का समीपस्थ यानी कि सबसे निकट का जो ग्रह है वो कौन सा है? तो बुध ग्रह है। नेक्स्ट, सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र या चमकीला ग्रह है? तो सबसे चमकीला जो ग्रह है वो हमारा शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, और इसका जो लाल कलर है वो इस पर उपस्थित आयरन ऑक्साइड के कारण है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है तो सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के है? बृहस्पति के है। किसके है? बृहस्पति के। और सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति ही है। अगला क्वेश्चन है, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। किसमें स्थित है? मंदाकिनी में। अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा किसे कहते हैं? तो भोर का तारा या फिर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है या सबसे चमकीला ग्रह, शुक्र को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र को। अगला क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है तो आकाश में सबसे चमकदार तारा साइरस है। कौन सा तारा है? साइरस। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो वाइजर है। कौन सा है? वाइजर वन उपग्रह। वाइजर वन उपग्रह क्या करता है ये? तो ये बृहस्पति का अध्ययन करता है, ठीक है। और वाइजर वन क्या है? ये एक प्रकार का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो जो टाइटन है वो शनि ग्रह का उपग्रह है, और टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, बिना उपग्रह वाला ग्रह है तो बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह है जिनके कोई उपग्रह नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है कितनी है? 89 यानी 89। कितनी है? 89। टोटल तारामंडल कितने हैं? 89। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट का तारा है तो सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है तो कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा? 0.03%। 0.03%। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? लगभग 21%। और नाइट्रोजन कितना है? तो 78%। और ऑक्सीजन लास्ट ईयर पूछा भी गया था वर्ग दो की एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है तो वायुमंडल की सबसे जो ऊपरी परत है उसे हम बहिर्मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्मंडल या फिर एक्सोस्फीयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 1 मिनट और 3 सेकंड का समय। कितना समय? 1 मिनट और 3 सेकंड। जबकि सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1 मिनट
और 3 सेकंड का समय लेता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है। तो चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय 27 दिन और 3 घंटे है। कितना है? 27 दिन 3 घंटे। अगला क्वेश्चन है, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो क्षोभ मंडल में घटती है, जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। किस मंडल में घटती है? तो क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है, वायु है, वायु क्या है? एक प्रकार का गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो कौन सा तत्व है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला हाइड्रोजन है। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। और हमारा जो सूर्य है वो भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस से ही मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? तो कौन सी लेयर या कौन सी गैस हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? तो ओजोन गैस या ओजोन लेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक होता है? तो तारे का रंग जो है वो किसका सूचक है? उसके ताप का। किसका सूचक है? तो तारे के ताप का। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। कौन सा है? नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो शुक्र ग्रह और एक है अरुण ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र और अरुण, ये दोनों ही ग्रह पर जो सूर्य है वो पश्चिम में उगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वलय युक्त ग्रह है? तो कौन सा ग्रह वलय युक्त है? शनि ग्रह है। कौन सा ग्रह? तो शनि ग्रह। और इसके वलयों की संख्या कितनी है? तो 7 है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा को इंगित करता है। किस दिशा को? तो उत्तर दिशा को। अगला क्वेश्चन है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? तो तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन, यानी कि हमारा जो सूर्य है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा बना है। अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो गेले नाम के साइंटिस्ट ने नेपच्यून की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो 1969 ईस्वी में रखा। कौन सी ईस्वी में? 1969 में। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? तो एक अंतरिक्ष यात्री को काला रंग दिखाई देता है अंतरिक्ष का। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान तो 6000 डिग्री सेल्सियस। और अगर सूर्य के केंद्र का अगर हम तापमान देखें, यानी कि सूर्य के सेंटर में कितना तापमान होता है, तो 15 मिलियन होता है। कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है? तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं? जो क्षुद्र ग्रह है वो कहाँ पर स्थित होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में कुछ छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं और उन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो कौन से ग्रह के बीच में आते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के। और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है? क्या है? जो पृथ्वी है वो अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। कौन सी दिशा में? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। जबकि सूर्य का चारों ओर चक्कर ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में लगाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट आईएमपी 40 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर
लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा।